और बड़ी खबर आपको बताएं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चल रही सियासत के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विवादास्पद बयान दे दिया है। संजय राउत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और लगता है ये है कि बीजेपी ने राम को किडनैप कर लिया है। तो संजय राउत का यह विवादास्पद बयान 22 जनवरी को कार्यक्रम में बीजेपी और जोर शोर से तमाम लोग भी वहां पर लगे हुए हैं। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने राम को किडनैप कर लिया। तो हम क्या बैठे हैं क्या इन्विटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलला का इन्विटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। और वही आचार्य परमहंस ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत कर रहे लोगों के ऊपर हमला बोला है। अब इनको ये लग रहा है कि भाई जनता के बीच तो पहले ये गुमराह कर लेते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल मंदिर बनाने का झांसा दे रही, बना नहीं रही है। अब जब मंदिर बन गया है और रामलला जो है अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा हो गई है, उसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, उसमें जो है अब इनको पीड़ा हो रही है। इनको लग रहा है कि जनता का रुझान जो है तो राम की ओर है, क्योंकि देश यह देश प्रभु श्री राम का देश है और जो राम विरोधी हैं उनको समझ लेना चाहिए कि राम का विरोध करके कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। और बड़ी खबर दिल्ली से इसी बीच मिल रही है, सोनिया गांधी आज कांग्रेस की नागपुर में होने वाली रैली में शामिल नहीं होंगी। सोनिया गांधी ने तबियत खराब होने की वजह से अपना नागपुर दौरा कैंसिल कर दिया है। पार्टी स्थापना दिवस आज है और कांग्रेस नागपुर में बड़ी रैली कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी इसमें शामिल नहीं होंगी। तबियत उनकी ठीक नहीं है और तबियत नासाज होने की बात कहकर उन्होंने इस रैली में शामिल ना होने की बात कही है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में नागपुर में ये जो रैली कांग्रेस की हो रही थी उसे लेकर यही कहा जा रहा था कि ये लोकसभा चुनावों की एक तरह से यह बिगुल फूकती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती दिखाई देगी। लेकिन अहम खबर, सोनिया गांधी आज नहीं शामिल होंगी इस रैली में। मध्य प्रदेश के गुना में बहुत बड़ा सड़क हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, हादसे में 12 लोगों की मौत, 14 जख्मी। गुना बस हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, हादसे की जांच के दिए आदेश, मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख और घायलों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान। गुना हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना।